अब ठीक है ना बेटा? गोपिका सब कैसे हो? गोपिका इसू था ही उन्हें एक एक झाड़ी औरत थी, वो मन को लेके भाग रही थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की ने, तो वो मुझे भी मारने लगी। वो तो द्वारका देश की कृपा है कि मैं इसे बचा पाई, वरना मन आज हम सबके बीच में नहीं होता, है ना मन? बहुत डर गया था, है ना मन? थैंक यू सो मच गोपिका, तुमने एक बार फिर हमारे मन की जान बचा ली। ये सब मेरी गलती है, मैं आगे से आपका और ज्यादा ध्यान रखूंगी। अरे ऐसे झूठे वादे क्यों कर रही है बच्चे को? तुम्हारे घर में बच्चा कोई उठा के लेके गया, तुम सबको कुछ पता भी चला? तुम सब बस अपनी दुनिया में हो, किसी को पता भी नहीं चला कि बच्चा गायब हो गया, और वादा कर रही हो। अरे आम केम जोए छे, सही तो कहा, जो बोला वही तो हुआ है। गोपिका सही कह रही है राम, सब हमारी गलती है। We need to make sure कि आगे से ऐसा ना हो। Yeah. अच्छा आपने और क्या देखा यहाँ पर? वो इंस्पेक्टर साहब इसू हतू ने वो जाड़ी औरत ना एकदम कंस जैसी लग रही थी, उसकी हरकतें कंस जैसी थी, उसके कपड़े कंस जैसे थे, और ये चिता जलाई थी। मने लागे छे मन को इस चिता पे गिरा के मारना चाहती थी वो। भाई माँ क्या भूख रहा है आपको? आपकी बात से लग रहा है कि आप उन्हें जानती थी, पर क्या है ना कुबरानी साहब, अक्सर जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वो ही हमें दगा देते हैं। सच कहूँ छू जैसे मुझे दिया था तुम सबने धोखा। कुंवर साहब आप लोग बच्चे को लेकर महल जाइए, हम लोग दाई माँ को ढूंढते हैं। जी चलिए। आओ चलो। दाईमा उस लिटिल डेविल मन को यहां से ले गई। नाउ एट लीस्ट बहरामगढ़ का वारिस वो मन तो नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, अब राम भैया और सिया भाभी कभी अलग ना होंगे। एब्सोल्युटली। हे बाल गोपाल, हारा लाख लाख शुक्र है, मन सही सलामत घर वापस आ गया। हाय मोरी मैया। कुंवर सा, कुबरानी सा, हम लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। गॉड, ये बच्चा है या इन्फेक्शन, बार बार आ जाता है खुजली की तरह। मारे को क्या पता। कुबरानी सा, दाईमा काकी, आज के बाद इस घर में दाईमा का कोई नाम नहीं लेगा। क्या घोटाला हो रहा है? बच्चा यहाँ है तो दाईमा कहाँ है? काकी दरअसल दाईमा ने जो किया वो सिया, मैंने अभी कुछ बोला ना। चलो छोड़िए ये सब, हमारे लिए यही काफी है कि हमारा मन सही सलामत वापस घर लौट आया है। ये सारा क्रेडिट गोपिका को जाता है।
इसने ही दाइमा से लड़कर मन की जान बचाई। मन, मन कहाँ चला गया? मन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई फिर से मन को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा है? ये दुनिया बहुत बुरी दुनिया है, यहाँ सिर्फ अपने ही अपनों के काम आते हैं, जैसे तुम और मैं। अगर वो मुझे मार देती तो क्या तुम उसे छोड़ते? आपको बचाने में उसको मारता, मैं बैड बॉय नहीं बन जाता ना? नहीं बेटा, तुम बैड बॉय नहीं बनते। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अच्छाई और बुराई में फर्क ये है कि तुम किसके साइड पे हो। और क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना? ये सौतन भी ना पहले मेरे राणा को बिगाड़ दिया और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। हर एक बच्चा अपनी माँ का साथ देता है, जैसे आपके भगवान अपनी माँ की बात मानते थे, वैसे ही आप भी अपनी माँ की बात मानोगे ना? ठीक है, मैं हमेशा आपके तरफ रहूंगा माँ। मुझे माँ मत बुलाना, ठीक है? माँ कहके तुम सिर्फ अपनी रसगुल्ला को बुलाओगे। और क्यों? मेरी माँ तो आप हो, उसको क्यों बोलूँ माँ? देखो बेटा, कभी कभी कुछ पाने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। इतने सारे झूठ बोलूंगा तो बैड बॉय बन जाऊंगा ना? एक आइडिया है, हम एक गेम खेलते हैं, सीक्रेट गेम, ठीक है? आपके और मेरे बीच में कुछ कुछ सीक्रेट्स रहेगी जो हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? पहली सीक्रेट है वो मोटी आंटी के बारे में, हम किसी को नहीं बताएंगे, ओके? दूसरी बात, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? और जो ये सीक्रेट सबसे ज्यादा टाइम तक रखेगा उसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा, ठीक है? ठीक है। अकेले क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत है आपको? नहीं। Thank you.
इसलिए मैं झूलना झूलने आ गया। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आपको डोरी सुनाऊंगी तो आपको फौरन नींद आ जाएगी। काश, did you see that baby boy? देखा तुमने क्या जादू किया उस मन ने सिया पर? Now तो I'm 100% sure कि मन, गोपिका ये सारे हादसे आपस में जुड़े हैं। Mom, mom, I think you're done for now. अपनी ये बकवास कहानियां बंद करिए प्लीज। ये विलायती मुर्गी कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही है मेरे कामों में। कोई बात नहीं, इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ये देखिए, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर डिजाइन, इसमें से आप कोई भी पसंद कर लीजिए, हम बनाकर दे देंगे। पहली बार गणपति रख रहे हैं, वो भी मन के लिए, इसलिए जो गणपति मन डिसाइड करेंगे हम उन्हें ही घर में लाएंगे। इन इंसानों को त्योहार का वायरस हो जाता है क्या? शांत नहीं बैठ सकते, बस रोज कुछ ना कुछ तमाशा। अब फिर कुछ सोचना पड़ेगा कि मन को कैसे बचाऊं। आप बताएं, आप कैसा गणपति चाहेंगे? ये फाइनल करें? कर दो। ठीक है, हमने ये फाइनल किया है। जिसे बचाने का सोच रही हूँ वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। कौन तुझे देख के कहेगा कि तू चुड़ैल का बेटा है? बिल्कुल हाँ, हम मिट्टी के जगह चॉकलेट का गणपति नहीं बना सकते क्या? अरे द्वारकाधीश, चॉकलेट नो गणपति के रहते बन से क्यों नहीं बना सकते गोपिका? इनफैक्ट मन ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है ना राम, चॉकलेट का गणपति। हाँ, हम लोग चॉकलेट के गणपति बनाएंगे और 3 दिन बाद उनको दूध में विसर्जन कर देंगे और वो मिल्क शेक हम गांव के बच्चों को पिलाएंगे। इससे एनवायरनमेंट भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा और बहरामगढ़ के लोगों को एक सीख भी मिलेगी। वेल डन मान। बच्चों की तो बात ही निराली है, इनको तो हर जगह हर चीज में ही खाना दिखता है। अभी कल ये कहेगा ढोकला खांडवी ये सब का गणपति बना लो तो अभी क्या कर सकते हैं ने मन। स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रही है। मुझे मां मत बुलाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे पीछे क्यों आए? हमारा सीक्रेट भूल गए क्या? मुझे कोई सीक्रेट भी नहीं खेलना। आप मेरी माँ हो, ये क्यों छुपा रहे सबसे? रसगुल्ला कहती है झूठ बोलना बुरी बात होती है, और मुझे आप क्यों बैड बॉय बना रहे हो? क्या लगा रखा है ये गुड बॉय बैड बॉय? जो मैं कहूंगी वो करो, समझे? जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम अपना मुंह बंद रखोगे। जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी, फिर तुम्हें जो मन में आए वो तुम करो, ठीक है? अब जाओ रसगुल्ले के पास। नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। चलो। नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा ना एक बार, देखो मुझे परेशान करना बंद करो। उठो न, उठो रसगुल्ला के पास जाओ, उठो न, चलो। जाओ। नहीं, मुझे आपके साथ गेम खेलना है। अंदर मना किया ना,
कितने बार मना किया, समझ में नहीं आ रही है बात तुम्हें? जाओ यहाँ से अपने रसगुल्ला के पास। नहीं, तो ये गोपिका गई। मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो खुश होकर क्या करेंगे? आप उनसे जो कुछ भी मांगोगे ना वो पूरा करेंगे। मैं उनसे चॉकलेट मांगूंगा वे सारी। सौतन ये चुड़ैल का बच्चा है, 10 दिन तो क्या, ये एक दिन भी बिना खून के नहीं रह सकता। ओह माय गॉड, दैट ब्लडी चंट गर्ल, उसने मुझे सबके सामने गलत प्रूव किया। अब मेरा पेट और मेरी बहू मुझ पे शक कर रहे हैं। बदतमीज लड़की धोखेबाज कहीं की। मलिकाए बहरामगढ़, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। ऐसे कैसे भूलूं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। बस बस शांत हो जाइए मलिकाए बहरामगढ़, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ सबके सामने क्यों चुप रही थी? मारे को जब उसमें कुछ दिखा ही नहीं तो कैसे बोलती? ऊपर से वो मन भी तो मुकर गया। Exactly. और वो बच्चा, उसमें भी कुछ गड़बड़ है, I'm telling you. कैसे? कैसे वो वीडियो में नहीं दिखा? Oh my God, I think दाइमा सही कह रही थी। पता नहीं, मारे को तो बड़ा डर लग रहा है कि कहीं सिया भाभी ये ना जान जाए मन को कचरे के डब्बे में हम दोनों ने डाला था, वरना दाइमा को तो उन्होंने सिर्फ इस घर से बाहर निकाला था, मारे को तो वो फांसी लगा दी। शायद आप कोई सुन लेगा, व्हाट रॉन्ग टू यू? मारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है? और किसी ने नहीं सुना, मनुसिया को काली बनने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। My God, we're really saved. Let's continue. इन बेवकूफ को क्या लगता है कचरे के ट्रक में इन्होंने डाला था मन को? मन मेरा बेटा है, बिना मेरे मर्जी के उस पे एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। और बच्चे को कचरे के ट्रक में क्यों डाला था? ऐसा नहीं करती तो मेरी हीरोइन वाली एंट्री कैसे होती? है ना मन? नहीं, आप बहुत बुरी हो, झूठी हो, बर्गर वाले काम करती हो, रसगुल्ला आपसे ज्यादा अच्छी है। रसगुल्ला
गुस्सा हो? क्या आप मुझे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्यों मुझे बार बार अपने से दूर करती हो? क्यों रसगुल्ला को माँ कहने को बोलती हो? मेरी माँ तो आप हो ना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें समझा है ना, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे तो सिर्फ साइकिल चाहिए, उसके लिए मैं क्यों आपसे दूर रहूं? मैं रसगुल्ला को ऐसे बोलूंगा तो मुझे लेके आएगी। मैं इस लड़के को दुनिया का बादशाह बनाना चाह रही हूँ, और ये सिर्फ तीन पहिए की साइकिल में रखा हुआ है। खजूर सॉरी ना। अच्छा, इतना एटीट्यूड, मेरी सॉरी का कोई रिएक्शन भी नहीं? ठीक है, तड़पते रहो, एक भी मुद्दत नहीं मिलेगा। जाप कहाँ गया? से भी मुझे मोदक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस रसगुल्ला खाना है। सुंदर, अति सुंदर, पप्पा की इतनी सुंदर मूर्ति देखकर तो वो बच्चा खुशी से उछल पड़ेगा। एक बार बच्चा खुश तो समझो कुंवर साहब खुश, कुंवर साहब खुश तो समझो मेरी जेब खुश। पप्पा आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपके आशीर्वाद से आज मैं माला माल हो जाऊंगा। पप्पा की मूर्ति तो बिल्कुल तैयार है, अब मैं इस मूर्ति को कुंवर साहब के महल तक पहुंचा कर आता हूं। वहां से जो इनाम बख्शीश मिलेगा उसकी मैं बहुत बढ़िया सी कार खरीदूंगा। बहुत बड़ी कृपा आपकी, बहुत बड़ी कृपा पप्पा, बहुत बड़ी कृपा, धन्य हो। पप्पा, आज तो आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। यह मूर्ति बनाने वाला फोन ही नहीं उठा रहा है। खजूर, जल्दी लाओ ना, मुझे उनसे मिलना है। दोबारा ट्राई करता हूँ।
पप्पा आप मुझे ये मुफ्त का फल नहीं लेने देंगे ना? कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा और इस फल को प्राप्त करके रहूंगा। लालच और मेहनत में फर्क होता है, और तू तू लालची है। हवा के झोंको जरा तुम खुद को रोको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।